तो हेलो गाइस और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे SjCam Sj4000 AIR के बारे में। अब Sj4000 काफ़ी हद तक आप सब लोगों को पता होगा, बजट और एंट्री लेवल एक्शन कैमराज में सबसे पहले जो इंडियन मार्केट में आया था वो ब्रांड था SjCam, और Sj4000 ये उसका कैमरा मॉडल था। हालांकि समय अनुसार उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आते गए, और आज इस वीडियो में बात करेंगे SjCam Sj4000 AIR के बारे में। और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स है इस कैमरा में। 2 इंच का टच स्क्रीन है, 4K फुल HD कैमरा है ये, और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे माउंट्स वगैरह के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके अंदर वाईफाई सपोर्ट भी है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इम्पॉर्टेंट बात ये, आई वॉन्ट टू थैंक Banggood.com फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट फॉर रिव्यू, एंड जेन्यून SjCam के साथ आपको यहाँ पे ये स्क्रैच का ऑप्शन आएगा, और इसको स्क्रैच करके आप SjCam की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो कैमरा है वो जेन्यून है या नहीं है। तो चलिए फिर इसके अनबॉक्सिंग के साथ शुरू करते हैं। कस्टम्स की बात करूँगा, सो गाइज Banggood से मैंने इंडिया डायरेक्ट मेल ये शिपिंग मेथड यूज़ की, और कोई भी कस्टम मुझे नहीं लगा। आज तक जितने भी प्रोडक्ट मैंने Banggood से मंगाए थे उसमें मैंने आइदर इंडिया डायरेक्ट मेल या फिर रजिस्टर्ड एयर पार्सल, ये दोनों यूज़ किए थे, और दोनों में भी कस्टम्स अवॉइड हो जाता है। इंडिया डायरेक्ट मेल में डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा फास्ट है और ट्रैकिंग का जो फीचर है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर्ड एयर मेल। सो दैट इज़ द थिंग, Banggood से मंगा रहे हो गाइस, सो इंडिया डायरेक्ट मेल ये शिपिंग मेथड ही यूज़ कीजिए टू अवॉइड द कस्टम्स। एंड विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ SjCam Sj4000 AIR। सो गाइस, दिस इज द बॉक्स पैक ऑफ SjCam Sj4000 AIR एंड सम स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड ऑन द बॉक्स इंक्लूडिंग माउंट्स एंड द स्क्रैच कोड। सो लेट्स ओपन अप द बॉक्स एंड सी हाउ द कैमरा इज। सो दिस इज द ट्रेडिशनल SjCam पैकेजिंग, SjCam ब्रांडिंग, 4K वाईफाई, एंड लेट्स कीप इट aside एंड सी what ऑल एक्सेसरीज वी डू गेट, बिकॉज द बॉक्स इज क्वाइट स्मॉल एंड यू डू गेट अ कर्व्ड एंड फ्लैट adhesive mount. इट्स नॉट द रोटेशनल, इट्स द नॉर्मल वन, देन extender, tripod mount, J-buckle mount, USB cable for charging and data syncing, short extender, some stickers, and your user manual. So guys, this is the camera, and I must say the waterproof housing build quality is quite good. It feels solid in hands. Now let's peel the sticker out, and you have a 2-inch glossy non-touch screen at the back and a wide angle lens at the front. Power button on the front. So let's open up the battery compartment. You have a 900 mAh battery. So let's boot up the camera, SjCam animation right there. So video mode, photo mode, slow motion mode, video playback settings. Now let's go to the settings and see what all things are there. So these are the video resolutions available. The lowest you can go is 720 30fps and the highest is 4K at 30fps. This camera also supports built-in time-lapse function, and quite a lot of things to play with in the setting menu. So on the side of the camera you have your Wi-Fi button and a button to toggle between the menu. So on the left side you have a LED indicator and HDMI, USB cable as well as memory card slot. And talking about the casing, if you have ever used an action camera, this is the traditional casing, so nothing fancy right there. This is actually Dana Pani Beach, and
टुडे इज एक्चुअली क्लाउडी डे. आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू टॉक. आई विल टॉक सम शिट सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली जज द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा. एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये कैमरा का परफॉर्मेंस. द ओनली थिंग विच आई फील इज़ दैट लेंस उतना ज़्यादा वाइड नहीं है यहाँ पे, और एट द सेम टाइम एक पर्पल कलर की शेड आपको यहाँ पे मिलेगी. एक्चुअल कलर जो है और एक्चुअल जो क्या बोल सकते हैं उनको, कलर टेम्परेचर जो है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है. ये ज़्यादा पर्पल शेड दे रहा है. जस्ट अ पैनिंग शॉट, एक्सपोजर चेंज. स्टिल आई वुड से कंसिडरिंग द प्राइस 3500 which is approximately $50. The camera is actually an entry level budget action camera and you can't actually expect a lot of things from it. The camera actually misses out on any sort of stabilization, let it be electronic image stabilization or the gyro image stabilization, and external microphone is not supported. I actually don't know whether if you guys are able to spot or observe one thing. This camera has the tendency to blur the background. I don't know how is that possible in the action camera. So I'm shooting this part of the video in 4K 30fps. And cloudy day hai aaj. The time right now is 9:30 AM or चन का कोई नामो निशान नहीं है. बीच में ऐसा लग रहा था यार बारिश आएगी बट आई नहीं, सो आई थॉट आई विल गो आउट एंड शूट और मेक द रिव्यू. Anyways, so I actually hope you guys found this video helpful. If you do, then please do give it a like and also subscribe the channel if you are new. And hit the bell icon to receive the notifications whenever I upload a new video on my channel. So that's pretty much it about today's vlog. I hope to see you guys in my next vlog. Up till then, this is Revitab signing off. Ride safe and as always, don't be a squid. Thanks for watching. Well, doggy. Doggy is not even giving a fuck. Okay. Ride safe and don't be a squid. Thanks for watching. This is how I have actually mounted the SjCam Sj4000 AIR on my steel butt SBA-1. One short extender, the normal mount. Two screws and the camera is being mounted.